नमस्कार दोस्तों, एक शानदार शुरुआत के बाद जहां पर श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को पहले ही मैच में चौंका दिया, अब श्रीलंका एक बार फिर से तैयार हो रही है शायद एक लेसर चैलेंज के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण चैलेंज बांग्लादेश के खिलाफ, जो विश्व कप, महिलाओं का विश्व कप का मैच नंबर 5 जो खेला जाएगा रविवार 12 फरवरी 2023 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 10:30 बजे। दक्षिण अफ्रीका में तभी शाम के 7 बजे होंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट मैच है श्रीलंका के लिए, चलिए आप भी जानते हैं, हम भी थोड़ा बहुत मानते हैं, काफी सारे लोग भी ये जानते हैं और मानते हैं कि श्रीलंका ने एक अपसेट कॉज किया है साउथ अफ्रीका को हरा के। तो अगर श्रीलंका बांग्लादेश को हरा देती है, जो अमूमन हरा देनी चाहिए, तो श्रीलंका डायरेक्ट टॉप कर देगी इतने छोटे से समय में, बिकॉज 2-3 दिन के अंदर श्रीलंका अपना दूसरा गेम खेल रही है। तो ऐसे में ये डिसएडवांटेज भी होता है और एडवांटेज भी। और जब एक ग्रुप में 5 ही टीम्स हो और पहली टीम को 2 विंस मिल गए हो, क्योंकि आपको क्वालिफाई आगे करने के लिए 4 विंस चाहिए, तो यानी आपने आधा रास्ता पार कर दिया। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम अ विनिंग पर्सपेक्टिव, नेट रन रेट के हिसाब से भी, क्योंकि पहला मैच बहुत क्लोज था, लो स्कोरिंग था। ये मैच भी हम लो स्कोरिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों ही साइड्स एशिया के हैं, दोनों ही साइड्स अपने स्पिन बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, इस मैच में आप कम से कम 40 ओवर में से आप आराम से 25 या 30 ओवर जो है स्पिन से डले हुए देखे जा सकते हैं, ऐसी हमारी सोच है। चलिए, तो जब 10 बजे होंगे भारत में तभी सिक्का उतरा जाएगा। वैसे ये डबल हेडर है क्योंकि संडे को शाम के 6:30 बजे भारत पाकिस्तान है। महिलाओं में इतना बड़ा मैच नहीं है वो जितना कि पुरुषों में होता है, क्योंकि पाकिस्तान की विमेन्स क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान मेन्स क्रिकेट टीम, इसलिए काफी वन साइडेड अफेयर ऐसा माना जा सकता है, पर खैर वो अलग मैच है। तो उसी वेन्यू पे यानी न्यूजीलैंड केप टाउन पे दूसरा मैच खेला जाएगा। ये एक और एडवांटेज है श्रीलंका को, क्योंकि वो पहली टीम बनेगी जो एक ही ग्राउंड पे 2 मैचेस खेलेंगी। तो जब 10 बज रहा होगा तभी टॉस हो जाएगा, अगर उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा होगा तो शायद आप टॉस देख नहीं पाएंगे या बाद में दिखाएंगे, लेकिन जो भी हो, अगर आपके ध्यान में नहीं रहा हो कि ये मैच शुरू होने वाला है, तो आप फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका टाइमली रिमाइंडर बन जाएगा। जैसे ही टॉस हो जाएगा और प्लेयर्स अनाउंस हो जाएंगे, हम आपको एक नोटिफिकेशन भेजेंगे इस ऐप द्वारा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। इसके बाद जब आप फैंटेसी गली के टीम्स या फिर टीम्स और वेबसाइट या फिर ऐप के सेक्शन में जाते हो, तो आपको वही प्लेयर्स दिखेंगे जो मैच में खेल रहे हैं, बाकी स्क्वाड मेंबर्स नहीं नजर आएंगे। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नो वायरस, नो ओटीपी, नो थ्रेट, और अपनी सहायता कर सकते हैं। आपकी सहायता करने के लिए थोड़ी और हमने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर नीचे वीडियो में, आपको वो पहले ही जिधर आपने विराल वीडियो शुरू किया है वहां पर आपने, आपको ये स्लाइड का ये व्हाट अबाउट दिस वीडियो ऐसे कुछ दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो राइट साइड में आपको ये पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन यानी इंडेक्स पेज दिखाई देगा। जो पॉइंट आपको भला लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली वीडियो जो है वो वाले सेगमेंट तक पहुंच जाएगा। ऐसे करके आप कौन सा भी सेगमेंट, कौन सा भी स्लाइड देख सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से एक गुजारिश है कि एक बार एटलीस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो सेगमेंट या चैप्टर आपने ओमिट कर दिया हो वहीं पर हमने कोई इंपॉर्टेंट बात बताई हो। और अगर आपको ये वीडियो क्लियर ना हो, ब्लर हो, तो खराब क्वालिटी के लिए माफी चाहते हुए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा जूम इन कीजिए, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही हम जूम इन कर सकते हैं, नहीं तो आपको पिक्सेल्स दिखाई देंगे, तो हमने इसका हम अपनी कमियां नहीं गिना रहे हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज नीचे आइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हमने इस मैच के पीपीटी का पीडीएफ अटैच कर दिया है, तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें और इत्मीनान से सारा पीपीटी आप देख लें। टॉप फैंटेसी पिक्स, बांग्लादेश की तरफ से मरूफा अख्तर, रबिया खान, श्रीलंका की तरफ से इनोका रणवीरा और ओशाड़ी राणा सिंघी। ये 4 प्लेयर्स अगर आपके टीम में हो, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग या फिर हेड टू हेड, आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन बाकी प्लेयर्स कौन होने चाहिए आपकी टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टनसी पिक्स कौन होनी चाहिए, ये जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागत है, मैं हूं कार्तिक अय्यर, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फैंटेसी गली की तरफ से इस नए वीडियो में। बांग्लादेश महिलाएं बनाम श्रीलंका महिलाएं, महिलाओं का T20 विश्व कप 2023 जो खेला जाएगा रविवार, मैच नंबर 5 जो खेला जाएगा रविवार 12 फरवरी 2023 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 10:30 बजे केप टाउन में, तभी शाम के 7 बज रहे होंगे, यानी ये नाइट मैच होगा।
और आप fantasygully.com पे आ सकते हैं चेकआउट करने के लिए और क्या क्या डिटेल्स है इस ग्राउंड के बारे में, दोनों टीम्स के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, कंटेंट रिटन आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, स्टैट्स मिलेंगे, फिर स्केड्यूल पेज भी चेकआउट कीजिए क्योंकि स्केड्यूल पेज से आपको पता चलेगा कि फैंटेसी गली कौन से सीरीज और मैचेस कवर कर रहा है। और आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम। अब आते हैं मूल सूत्र में इस वीडियो में, पिचर कंडीशंस। न्यू ऑरलियंस केप टाउन ये मैच खेला जाएगा, ये मैच इस ग्राउंड में तीसरा मैच होगा क्योंकि पहला मैच था साउथ अफ्रीका श्रीलंका, दूसरा मैच इंडिया पाकिस्तान और ये तीसरा मैच बांग्लादेश श्रीलंका। यानी आते आते ये पिच बहुत स्लो हो सकती है, ऑलरेडी फर्स्ट मैच जो है हमने देखा बहुत ही स्लो थी, हम ड्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन ड्यू आई ही नहीं, तो ये ड्यू थोड़ा ट्रिकी फैक्टर है क्योंकि यहां पर भी देखें 74% है तो ड्यू के एक्सपेक्टेशंस तो हो सकते हैं लेकिन पिचेस थकी हुई होंगी और हवा भी ज्यादा है नहीं तो शायद पता नहीं ड्यू आएगी नहीं आएगी। 22 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, इसलिए हमने बैटिंग फर्स्ट रखा है। तो अगर आप टीम बैटिंग फर्स्ट से ज्यादा प्लेयर्स लोगे तो शायद आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। और हमने पार स्कोर रखा है अप्रोक्सीमेटली 150, मुझे नहीं लगता कि 130 बना के वापस टीम जीत सकती है शायद, क्योंकि इस केस में श्रीलंका बांग्लादेश से तो बेहतर टीम है, बट यू नेवर नो, अगर 150 अगर पहुंच गए तो आप एक सेफ स्कोर उसको पकड़ लेंगे। और हेड और हमने प्रीवियस मैच भी देखा, भले पिच स्लो हो फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स को उतना परचेस नहीं मिला लेकिन सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को ज्यादा परचेस मिला, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम का स्ट्रक्चर कर सकते हो। हेड टू हेड में श्रीलंका काफी आगे 6-2 से और ओवरऑल तो 5-0 से आगे है, पिछले 6 मैचेस में एक भी बार नहीं हारा है बांग्लादेश महिलाओं ने, 9 मैचेस खेला ही नहीं और दोनों ने इस वेन्यू पे खेला नहीं है एक दूसरे के सामने। अगर दोनों के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स बताओ तो बहुत ही खराब है। ओवरऑल में बांग्लादेश ने पिछले 7 मैचेस में से एक ही जीता है, पिछले 5 लगातार हारे हैं लेकिन नाइट मैचेस में पिछले 5 में से 4 जीते हैं। श्रीलंका का भी कुछ सिमिलर है, अगर हम थोड़ा उल्टा है लेकिन उन्होंने ओवरऑल में पिछले 8 मैचेस में से 6 जीते हैं, पिछले 5 मैचेस में ऑल्टरनेट ऑर्डर में विन लॉस विन, और नाइट गेम्स में पिछले 9 मैचेस में पहला नाइट गेम जीता था उन्होंने अब शुक्रवार को, तो उस हिसाब से मोमेंटम दोनों के साथ आधा आधा है। बट श्रीलंका के पास एक डेफिनेट एडवांटेज है क्योंकि बांग्लादेश ने इस वेन्यू पे खेला ही नहीं है, श्रीलंका ने ना ही इस वेन्यू पे पहला मैच खेला है, उसके पहले भी दक्षिण अफ्रीका के सामने खेला था 2-3 साल पहले, तो 2 मैचेस खेलने का यहां पर उनके पास अनुभव है। अब ये देख रहे थे प्रोबेबल प्लेइंग 11 बांग्लादेश की तरफ से, मुर्शिदा खातून, शर्मिन अख्तर ओपनर्स, फरगाना हक, निगर सुल्ताना, रुमाना अहमद, रितु मोनी, सलमा खान, रबिया खान, नहीदा अख्तर, जहानारा आलम और मरूफा अख्तर। इस टीम के हिसाब से आपके पावर प्ले बोलर्स हो सकती हैं मरूफा अख्तर, फिर सलमा खातून, उसके बाद नाहिदा अख्तर और जहानारा आलम, और डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकती है सलमा खातून, फिर मरूफा अख्तर, उसके बाद रबिया खान, फिर नाहिदा अख्तर और उसके बाद जो है जहानारा आलम। श्रीलंका की तरफ से मुझे लगता कुछ चेंजेस होंगी, जिस टीम ने साउथ अफ्रीका को परास्त किया पहले ही मैच में, अगर हो सके तो एक बार एक्स्ट्रा स्पिनर में लेके आ सकते हैं लेकिन जो स्क्वाड में देख रहा हूं उसमें फास्ट बोलर्स ही बाकी है तो मोस्टली सेम टीम रहेगी। कितने स्पिन ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5 स्पिन ऑप्शन है और 6 स्पिन ऑप्शन है, ये पॉसिबल 11 हो सकती है। हर्षिता मांडवी, चमारी अट्टापट्टू ओपनर्स, विश्वी गुणरत्ने, अनुष्का संजीवनी, नीलाक्षी डिसिल्वा, अमा कांचना, कविशा दिलहारी, ओशाली राणा सिंह, सुगंधिका कुमारी, इनोका राणवीरा और अचिनी कुलसूर्या। इस टीम के हिसाब से आपके पावर प्ले बोलर्स हो सकते हैं अचिनी कुलसूर्या, फिर अमा कांचना, उसके बाद सुगंधिका कुमारी और ओशाड़ी राणा सिंघे। पर डेथ ओवर बोलर्स हो सकते हैं सुगंधिका कुमारी, फिर उसके बाद इनोका रणवीरा, फिर कविशा दिलहारी और ओशाड़ी राणा सिंघे। अब प्लेयर बैटल्स की बात करते हैं, ऐसे कोई डेटा नहीं है लेकिन हम पॉसिबल बैटल्स देख रहे हैं। इसका डेटा है चमारी अट्टापट्टू वर्सेस जहानारा आलम, 17 गेंदों में 2 बार आउट किया है जहानारा आलम ने, जैसे कि हमने पहले मैच पे देखा ये काफी क्रिटिकल प्लेयर है श्रीलंका के लिए, तो और ये न्यू बॉल बोलर है राइट आर्म फास्ट, तो अगर इन्होंने शुरू में ही इनको आउट करे तो थोड़ी बहुत स्विंग मूवमेंट मिलेगी पहले 3-4 ओवर में, तो यहां पर मैच का रुख ही चेंज हो सकता है क्योंकि पहले मैच में इस खिलाड़ी के बलबूते पर श्रीलंका 130 पहुंची, नहीं तो उतना भी नहीं पहुंचती थी। ऑफकोर्स विश्वी गुणरत्ने ने भी अच्छा खेला लेकिन इस खिलाड़ी का कप्तान का काफी बड़ा योगदान था, तो ये बैटल देखने लायक होगा। फिर रुमाना अहमद वर्सेस इनोका रणवीरा, ये सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ये राइट हैंड बैटर है, बांग्लादेश के एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती है और ये मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगी, तो अगर इन्होंने इनकी विकेट ले ली तो ये बांग्लादेश के जो भी है फाइट बैक या फिर मोमेंटम को रोक के रख सकती है।
और उसके बाद ओशाड़ी राणा सिंह और सलमा खातून दोनों अपने अपने टीम्स के रेस्पेक्टिव ऑलराउंडर्स हैं और ये तो फॉर्म से भी आ रही हैं पिछले मैच से तो। और सलमा खातून का देख सकते हैं कि इस वेन्यू पे वो कैसे बॉलिंग करेंगे क्योंकि पिच काफी स्लो है, समवॉट सिमिलर टू व्हाट वी सी इन एशिया यानी बांग्लादेश में श्रीलंका में, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैच होने के आसार रखता है। और अब हमारी तरफ से एक सजेस्टेड टीम स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, अगर बांग्लादेश पहली बैटिंग कर रही होगी तो ये एक सजेस्टेड टीम है। अगर आप फैंटेसी गली पे आएंगे टीम सेक्शन में जाएंगे टॉस के बाद तो आपको ढेरों सारे ऑप्शंस मिलेंगे, हमारी तरफ से सारे फ्री हैं, नो चार्जेस। हमारी तरफ से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हैशटैग अपनी अकल ऑन करें, यानी सारे के सारे प्लेयर्स डालें, तीन या चार प्लेयर यहां से हटा के आप अपने पसंद के प्लेयर्स रखें जिनकी कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है जो आपकी थॉट आपकी गट फीलिंग फिर चॉइसेस के हिसाब से एनालिसिस स्टैट्स के हिसाब से आपकी टीम यूनिक बन सके। ये टीम देख लेते हैं, एक कीपर, चार बैटर, तीन ऑलराउंडर और तीन बोलर। तो विकेट कीपर में निगर सुल्ताना बांग्लादेश की तरफ से, पिछले चार पारियों में 230+ नॉक्स है। फिर बैटर्स है मुर्शिदा खातून, फरगाना हक, विश्वी गुणरत्ने श्रीलंका की तरफ से, पिछले मैच में अच्छा खेला ही लेकिन दो बैक टू बैक 35+ नॉक्स है विश्वी के। फिर हर्षिता माडवी या फिर ड्रीम इलेवन के अगर हिसाब से आप खेल रहे हो तो हर्षिता समर विक्रमा है इनका नाम, पिछले चार पारियों में 235+ नॉक्स है श्रीलंका की तरफ से प्लेयर खेलती है ये। ऑलराउंडर्स में ओशाड़ी राणा सिंह ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, पिछले दो पारियों में 5 विकेट लिए उन्होंने, लास्ट मैच में 2 उसके पहले 3, और बांग्लादेश के सामने पिछले 3 पारियों में 1 भी बार विकेटलेस नहीं गई है। फिर रबिया खान, कविशा दिलहारी, बॉलर्स में इनोका रणवीरा ये भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, पिछले 5 पारियों में 1 भी बार विकेटलेस नहीं गई है, 3 2 विकेट हॉल्स और अभी तो बैक टू बैक 3 विकेट हॉल्स इन्होंने लिए हैं, और बांग्लादेश के सामने पिछले 5 पारियों में 3 2 विकेट हॉल्स हैं। उसके बाद मरूफा अख्तर ये बांग्लादेश की तरफ से हैं, पिछले 5 राइट आर्म मीडियम फास्ट, पिछले 5 पारियों में 1 भी बार विकेटलेस नहीं गई है और 2 2 विकेट हॉल्स हैं। और फिर नाहिदा अख्तर ये भी बांग्लादेश की तरफ से स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, श्रीलंका के सामने पिछले 4 पारियों में 1 भी बार विकेटलेस नहीं गई है और 3 2 विकेट हॉल्स। इस टीम के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस ओशाड़ी राणा सिंह, रबिया खान, इनोका रणवीरा और मरूफा अख्तर। बैकअप ऑप्शंस स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपर में शमीमा सुल्ताना, बैटर में निदाक्षी डिसिल्वा, ऑलराउंडर में शौर्ना अख्तर और बॉलर में संजीता अख्तर। अब ग्रैंड लीग की टीम देखते हैं, अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो 1 कीपर, 2 बैटर, 4 ऑलराउंडर और 4 बॉलर। तो विकेट कीपर में निगर सुल्ताना, बैटर्स में मुर्शिदा खातून, रोमाना अहमद, ऑलराउंडर्स में ओशाड़ी राणा सिंह, रबिया खान, सलमा खातून और चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका के कप्तान, लेफ्ट हैंड बैटर, लास्ट मैच में 68 रन स्कोर किए थे इसी वेन्यू पे। फिर बॉलर्स में इनोका रणवीरा, इन्होंने लास्ट मैच में इसी वेन्यू स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लास्ट मैच में इन्होंने इसी वेन्यू पे 3 विकेट हॉल लिया था, और बांग्लादेश के सामने जब इन्होंने लास्ट खेली थी तब इन्होंने 4 विकेट हॉल लिया था। फिर मरूफा अख्तर, जहानारा आलम और सुगंधिका कुमारी, इस टीम के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस निगर सुल्ताना, रुमाना अहमद, चमारी अट्टापट्टू और सुगंधिका कुमारी। बैकअप ऑप्शन स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो, माफ कीजिए, बैकअप ऑप्शन फॉर ग्रैंड लीग, अगर बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपर में अनुष्का संजीवनी, बैटर में विश्वी गुणरत्ने, ऑलराउंडर में अमा कांचना और बॉलर में सत्या सांदीपनी। अब रोल रिवर्सल यानी स्मॉल लीग और हेड टू हेड, अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो 1 कीपर, 3 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 4 बॉलर। विकेट कीपर में निगर सुल्ताना, बैटर्स में हर्षिता माडवी, विश्वी गुणरत्ने, नीलाक्षी डिसिल्वा, ऑलराउंडर्स में ओशाड़ी राणा सिंह, रबिया खान, चमारी अट्टापट्टू, बॉलर्स में इनोका रणवीरा, मरूफा अख्तर, सुगंधिका कुमारी और नाहिदा अख्तर। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन रबिया खान, इनोका रणवीरा, मरूफा अख्तर और सुगंधिका कुमारी। बैकअप ऑप्शन स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए, अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपर में शमीमा सुल्ताना, बैटर में मुर्शिदा खातून, ऑलराउंडर में शौर्ना अख्तर और बॉलर में संजीता अख्तर। अब ग्रैंड लीग के लिए, एक टीम अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो 1 कीपर, 2 बैटर, 5 ऑलराउंडर और 3 बॉलर। तो विकेट कीपर में अनुष्का संजीवनी, बैटर्स में हर्षिता माडवी, विश्वी गुणरत्ने, ऑलराउंडर में ओशाड़ी राणा सिंह, रबिया खान, चमारी अट्टापट्टू, कविशा दिलहारी और रुमाना अहमद, और बॉलर्स में इनोका रणवीरा, मरूफा अख्तर और अचिनी कुलसूर्य। इस टीम के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन ओशाड़ी राणा सिंह, कविशा दिलहारी, रुमाना अहमद और मरूफा अख्तर। बैकअप ऑप्शंस ग्रैंड लीग के लिए, अगर श्रीलंका फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपर में निगर सुल्ताना, बैटर में मुर्शिदा खातून, ऑलराउंडर में सलमा खातून और बॉलर में सत्या संदीपनी। अब ये हो गए हमारे प्लेयर सजेशंस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे चलते हैं, उन्हें लो टू मीडियम ही रखें, हेड टू हेड और स्मॉल लीग्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करें,
जबकि ग्रैंड लीग में आप एक या दो ही टीम रखें क्योंकि वहां पर रिस्क और नक फैक्टर ज्यादा है। और एक बार आपने ये तय कर लिया तो सही कॉन्टेस्ट चुनने के लिए आप फैंटेसी गली पे जरूर आए, वहां पर कॉन्टेस्ट सेक्शन है, वहां पर फैंटासी मौजूद है, उन्हें टॉगल करें लेफ्ट टू राइट। टॉगल करते करते लेफ्ट साइड में आपके कॉन्टेस्ट बदलते जाएंगे और राइट साइड में उन लेफ्ट साइड कॉन्टेस्ट के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेट कमाई दर्शाई जाएगी। और जब आप ये सिलेक्ट करोगे फिर फैंटा पे माउस ओवर करोगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि इस सिलेक्शन के हिसाब से आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। इसके बाद जब आप टीम्स या कॉन्टेस्ट खेलने उतरोगे तो आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसके साथ हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से आप सभी का जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पर एक बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो माफी चाहते हुए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज हमें कारण बताइए कि क्यों पसंद नहीं आया, क्या कमियां रह गई, किस तरह से हम बेहतर बन सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं नीचे चैट और कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करके। fantasygully.com पे कृपया आए, आपको और ज्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी और हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जुड़े। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आपसे विदा देना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाए। धन्यवाद, नमस्कार।